कार्यक्रम के पुण्याजक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय, दीपा जैन, राजीव, सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आचल, सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार, अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमान, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली, श्री मुनिंद्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर, श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिंपल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी, अहमदाबाद, जय जिनेन्द्र, अठ वीर कम मुके, अठ गुण डे अणोवमे सिद्धे, अठम कुण विण विठे, निठे कजिय वंदि मोनिचम, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में जो चर्चा हुई थी बहुत सुंदर थी, जो कल आपने सुनी, कितनी अच्छी बात बताई थी, आत्मा के अलावा अन्य पदार्थों में अगर मैं यह हूँ और ये मेरे हैं, जब तक ऐसी धारणा है तब तक अज्ञानी है। मैं पूछूँ, क्या आपने इस बात का चिंतन किया, क्या आपने इस बात को मन में बिठाया कि हाँ, वास्तविकता ऐसी ही है। अगर नहीं बिठाया तो देखो, केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। कुंद कुंद महाराज की वाणी सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए, विचारने के लिए, मानने के लिए, उतारने के लिए है। पहली बार पिछली ज्ञानशाला में यह भी बताया था, ज्ञानी के ऊपर कितने ही कष्ट आ जाएं, लेकिन ज्ञानी डगमगाता नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र ही हूँ, ऐसी पक्की धारणा बनाए बैठा रहता है। आज हम गाथा चलेंगे, कौन सी, अगली वाली गाथा देखें, 58वीं गाथा, एवं जान दिनानी अन्नानी मुणदि राग में वादम, अन्नानि तमो क्षणो आदसहावम अजानन्तो। गाथा नंबर 57 और 58 आचार्य ने दोनों एक साथ लिखी है। पहली हमने ज्ञानशाला में गाथा नंबर 57 पढ़ाई थी, उसमें हमने क्या पढ़ाया था, कर्म के उदय से कैसा भी दुख मिले लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञानीपने को नहीं छोड़ता। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया था, जैसे सोना तपाए जाने पर भी सोनेपने को नहीं छोड़ता, ऐसे ही ज्ञानी को कितना ही कर्म उदय से दुख मिले अपना ज्ञानीपना नहीं छोड़ता। अच्छा, अज्ञानी कैसा होता है ये आचार्य ने इस गाथा में बताया है, देखें, एवं इस प्रकार, किस प्रकार के कर्म उदय से दुखी हुआ भी ज्ञानीपने को नहीं छोड़ता, इस प्रकार राणी माने ज्ञानी जानता है, कष्ट शरीर पर है मेरे पर नहीं, मुझे रोग नहीं होते, मेरा मरण नहीं होता, मैं बालक बुढ़ा कुछ नहीं हूँ, ये सब दशा तो पुद्गल की है, मैं जीव हूँ वो पुद्गल है, इस प्रकार ज्ञानी जानता है। और अज्ञानी कैसा होता है, अज्ञानी मुणदि माने जानता है,
रागम एव आदम, राग को ही आत्मा मानता है, अर्थात कर्म और नो कर्म जो हैं उनमें उसकी आत्मबुद्धि रहती है। क्यों रहती है? तो आचार्य स्वयं लिख रहे हैं, अर्णान तमोच्छन्नो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित है, ढका हुआ है, अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ, अनादिकाल से अज्ञानी बना हुआ है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित होने के कारण क्या हुआ उससे? आदसहावम आत्म स्वभाव को अयाणंतो नहीं जानता हुआ। अज्ञानी अभी कैसा है? आत्म स्वभाव को नहीं जान रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित है। अभी गुरु के द्वारा ज्ञान देने से, जिनवाणी पढ़ने से किसी प्रकार भी उसको ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित होने से आत्म स्वभाव को नहीं जानता हुआ जो अज्ञानी है, रागम एव आदम मुणदि, राग आदि पर पदार्थों को ही आत्मा मानता है। क्यों? क्योंकि उसको निस्वभाव का परिचय नहीं हुआ। दो गाथा एक साथ आई हैं आपकी किताब में, उसमें उन्होंने लिखा है ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी तो कर्म उदय से दुखी होने पर भी अपने आत्म स्वभाव को नहीं छोड़ता, मान्यता नहीं बदलता, लेकिन अज्ञानी मान्यता बदल देता है, उसे सांसारिक कष्ट मिलते हैं तिलमिला जाता है, अपने स्वभाव अपने परिचय को भूल जाता है, राग द्वेष के चक्कर में फंस जाता है, पर ज्ञानी ऐसा नहीं होता। फिर एक बार देखें, एवं इस प्रकार ज्ञानी जानता है और अज्ञानी रागम एव राग द्वेष आदि कर्म नो कर्मों को ही आत्मा मानता है। क्यों मानता है? अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित होने के कारण। अभी उसे ज्ञान नहीं हुआ, अभी अज्ञानी है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, इन्हीं में पड़ा रहता है, बीमार होता है तो मैं बीमार हूँ, स्वस्थ होता है तो मैं स्वस्थ हूँ, धनी होता है तो धनी हूँ, गरीब होता है तो गरीब हूँ, ऐसा मान के राग द्वेष में पड़ा रहता है। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित होने के कारण आत्म स्वभाव को नहीं जानता हुआ अज्ञानी जो है ना, वो राग द्वेष आदि को ही आत्मा मानता है और ये उसके अनंत संसार का कारण है। पंडित जी, अज्ञान रूपी अंधकार से क्या समझना चाहिए? अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकाश है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान अंधकार है। इसलिए अज्ञान तमोच्छन्नो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित है, अभी तक उसको वास्तविकता का परिचय ही नहीं हुआ, इसलिए राग द्वेष आदि पर पदार्थ जितने भी हैं इनको वह आत्मा मानता है। अज्ञानी है, अभी तक उसने आगम के अनुसार स्वाध्याय करके निज और पर का भेद विज्ञान अच्छी प्रकार नहीं किया, सात तत्वों का सही श्रद्धान उसको नहीं है, भेद विज्ञान का अभाव है, इसलिए अज्ञानी बना हुआ है। पंडित जी, हमको अपनी मान्यता कैसी बनानी चाहिए? अगर अज्ञानी ही बने रहना है तो जो धारणा बनी हुई है उसको बनाए रखिए, अनंत संसार जन्म मरण चलता रहेगा। और ज्ञानी बनना है तो जैसी आचार्य कह रहे हैं वैसी धारणा बनानी है। आचार्य तो स्पष्ट कह रहे हैं, कर्म और नो कर्मों में अगर तेरी ऐसी मान्यता है कि मैं यह हूँ ये मेरे हैं तो अज्ञानी है। इस अज्ञानीपने को छोड़ें, और अज्ञानीपने को छोड़ दिया तब किसी भी वस्तु का संयोग हो या वियोग हो, रहने के लिए महल मिले या झोंपड़ी मिले, खाने के लिए अच्छी चीज़ मिले या बुरी मिले, किसी में स्वस्थ रहे या रोगी रहे,
किसी में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्यों? वह तो आत्मा मात्र है। हम रोज पढ़ते तो खूब हैं, देखिए कितनी अच्छी भावना पढ़ते हैं, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन सो बिछुड़े ज्योपय अरुपानी। अनादि से ये शरीर मुझे मिला है और बड़े यत्न पूर्वक तपस्या करूँगा तो इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। शरीर मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग स्वभावी चैतन्य स्वभावी आत्मा मात्र हूँ, यह मेरा स्वरूप नहीं। इसलिए अगर आपको ज्ञानी बनना है मान्यता बदलनी होगी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल है, हम कितना ही पढ़ लें कितना ही सुन लें हम में बदलाव नहीं होता, हम जैसे के तैसे बने रहते हैं। चाहे कितने ही प्रवचन सुन लें, चातुर्मास में महाराज के प्रवचन सुने चारों महीने, अंतर कितना पड़ा? कुछ नहीं। अगर ऐसे रहेंगे ना तो अज्ञानी के अज्ञानी बने रहेंगे और इन सांसारिक परिस्थितियों में रोते रहेंगे हंसते रहेंगे, संसार का कुछ नहीं होगा। हमें तो संसार का अंत करने के लिए ये पर्याय मिली है, इसलिए हम ज्ञानी बने और ज्ञानी बन के अपनी धारणा को सही बना के इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करें। पंडित जी, ज्ञानी कितने प्रकार का होता है? एक तो ज्ञानी वो है जिसने आगम के अभ्यास से गुरु के उपदेश से सुनकर ये निर्णय कर लिया है कि मैं तो आत्मा मात्र हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसने ऐसी धारणा पक्की बना ली, हाँ वह ज्ञानी बन गया। लेकिन इतने से काम तो नहीं बनना, अब आगे जब उसने ये निर्णय बना लिया है किसी तरह से आत्मा के साथ जो लगा हुआ कर्म मल है वो मुझे दूर हटाना है, तो दूसरा ज्ञानी वो है जो चारित्र को धारण करता है। और वास्तव में ज्ञानी वो है जो शुद्धोपयोगी बन के अपने आत्मा में रमण करता है, अपने आत्मा को बिल्कुल निर्विकल्प बनाते हुए मैं चिन्मात्र आत्मा ही हूँ ऐसा चिंतन करते हुए शुद्धोपयोग रूपी आत्मानुभूति में डूब जाता है, वास्तव में ज्ञानी वो है। भेद विज्ञान करने से क्या लाभ होगा? भेद विज्ञान ही हमारे आत्मा का जीवन है। एक बड़ा अच्छा श्लोक लिखा मिलता है समयसार जी में, भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, तस्य भा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। कितना अच्छा लिखा है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान पूर्वक ही सिद्ध बने हैं, और आज तक जितने हम और आप संसार में भटक रहे हैं ये भेद विज्ञान के अभाव में ही भटक रहे हैं। अच्छी तरह सुनिए फिर, अर्थात भेद विज्ञान से ही सिद्ध बनते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उन्होंने बेस क्या बनाया? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से सिद्ध बने, और आज तक हम और आप जितने लोग भटक रहे हैं संसार में भेद विज्ञान से अभेद विज्ञान के अभाव से ही भटक रहे हैं। भेद विज्ञान क्या होता है? मैं क्या हूँ और क्या मैं नहीं हूँ, इसका भेद विज्ञान। मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, आँख नहीं देखती आँख शरीर का हिस्सा है, देखने वाला मैं हूँ आँख से मैं देखता हूँ, भेद विज्ञान। मैं जीव ये शरीर अजीव, इसका नाम भेद विज्ञान। मैं और मेरा सिर्फ आत्मा, बाकी जितने भी पदार्थ संसार में हैं मेरे कोई नहीं है, ऐसी समझ ऐसी पक्की धारणा हो जाना ही भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान होने पर इस संसार में भी सुख और अगली पर्यायों में महान सुख प्राप्त होता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य बनाएं, हमको भेद विज्ञानी बनना ही है। जब तक अज्ञानी है आश्रम बंद होता है, ज्ञानी बनता है तब संबर और निर्जरा होती है। तो
तो संबर किसको होता है? आचार्य की अगली गाथा देखिए। अपान मपणारुंदी दूण दो पुण्य पाव जोगेशो दंसरणानं मिथि दो इच्छा विरोयाणमी। अपानम आत्मा को अपना आत्मा के द्वारा रुंध दूण दो रोक कर, एक शब्द, आत्मा को आत्मा के द्वारा रोक कर किससे? पुण्य और पाप दोनों योगों से। अर्थात आत्मा को आत्मा के द्वारा पुण्य और पाप दोनों योगों से रोक कर। अर्थात पुण्य का मतलब शुभोपयोग, पाप का मतलब अशुभोपयोग। आत्मा को अशुभोपयोग और शुभोपयोग से हटाकर, ये तात्पर्य है। और कैसा होकर के? दंसन नाणम मिठ दो, दर्शन और ज्ञान में स्थित हुआ। फिर आत्मा को कहाँ लगाया? पुण्य पाप दोनों से हटाया तो अपनी आत्मा में, जानने और देखने में लगा दिया। दर्शन और ज्ञान में स्थित हुआ। और कैसा? इच्छा विरदोय अर्णम्मी, अर्णम्मी माने अन्य जो देह और राग आदि हैं इनसे इच्छा रहित तो होता हुआ। प्रश्न है, संबर का स्वामी कौन होता है? जो अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा पुण्य और पाप दोनों योगों से रोकता है। पहली बात, क्यों? क्योंकि अगर पुण्य और पाप योग में लगा रहेगा ना तो संवर कैसे होगा? नहीं होगा, फिर तो आश्रय बंद होता रहेगा। और कैसा है? धनसरणानम मिठ दो। अब आत्मा को राग द्वेष से तो हटाया, अब लगाया कहाँ? दर्शन और ज्ञान में स्थित हुआ। अपने स्वरूप को जानने देखने में लीन है, अर्थात शुद्धोपयोगी बना है। और कैसा है? अर्णम्मी माने अन्य जो पदार्थ देह राग आदि हैं उनमें इच्छा रहित तो होता हुआ। ऐसा जो ज्ञानी है वह संवर का सही पात्र है, संवर उसको होता है। पंडित जी, उपयोग कितने प्रकार का होता है? अपनी आत्मा का परिणमन तीन प्रकार का, एक अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अर्थात पाप कार्यों में लगा है, कषाय की तीव्रता है, अशुभोपयोग है। कषाय की मंदता है, धार्मिक कार्यों में लगा है तो शुभोपयोग है। और इन सब से हट करके अगर अपनी आत्मा में लीन है तो शुद्धोपयोग है। अगर शुभोपयोग में लगता है तब तो अशुभोपयोग संबंधी पाप का संवर होता है, मतलब पाप का आना रुकेगा। और अगर संपूर्ण संवर करना है तो पुण्य और पाप दोनों को ही रोकना है, क्योंकि उसके बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए तीन प्रकार के उपयोग में अशुभोपयोग और शुभोपयोग आश्रयबंद के कारण है और शुद्धोपयोग परम संवर का कारण है। पंडित जी, तो फिर शुभोपयोग संवर का कारण ना माने? नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ संपूर्ण संवर की चर्चा है। देखो, द्रव्यान योग से पढ़कर द्रव्यान योग की चर्चा हो रही है। द्रव्यान योग को पढ़ें और उसे करणान योग से मिलाएं तब काम बनता है। केवल एक अनुयोग पढ़ के हम धारणा बना लेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो आपने प्रश्न किया, क्या शुभोपयोग संवर निर्जरा का कारण नहीं? क्यों नहीं कारण? आचार्यों ने क्या लिखा? अशुभोपयोग एक, दो और तीसरे गुणस्थान तक, शुभोपयोग चार से लेके सप्तम गुणस्थान तक, शुद्धोपयोग सात से बारहवें गुणस्थान तक। अब सोचें, चतुर्थ गुणस्थान में अगर शुभोपयोग से संवर निर्जरा नहीं मानेंगे तो चतुर्थ गुणस्थान में तो खूब निर्जरा कही है आचार्यों ने,
और पंचम गुणस्थान में तो 24 घंटे निर्जरा कही है। उपयोग कौन सा? शुभ उपयोग। तो क्या पंचम गुणस्थान में शुद्ध उपयोग नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। शुद्ध उपयोग तो मुनि महाराजों के होता है जब वो आत्मा में लीन होते हैं। तो चतुर्थ गुणस्थान में क्या संबर निर्जरा नहीं? नहीं नहीं, संबर निर्जरा है, क्यों नहीं है? जो लोग ये मानते हैं कि अणुव्रत और महाव्रत तो आश्रव बंद के कारण है, उनकी धारणा बिल्कुल आगम सम्मत नहीं है। अणुव्रत और महाव्रत तो आश्रव बंद के कभी कारण थे न होंगे। अणुव्रत और महाव्रत तो संबर निर्जरा में ही कारण है, लेकिन अणुवृत्ति और महावृत्ति के आश्रव बंद होता है ये बात दूसरी है। वो कैसे होता है? जो कषायें अभी उदय में हैं उनके कारण होता है। इसलिए संबर और निर्जरा करणान योग से अगर हम जोड़ें तो दूसरा गुणस्थान जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ भी मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृतियों का संवर रहता है। करणान योग बिल्कुल 16 आने पावृत्ति खरी खरी बात बताता है। यहाँ क्या बात हो रही है? संपूर्ण संबर का स्वामी कौन? जो पुण्य और पाप दोनों योगों को रोक दे वह संपूर्ण संबर का स्वामी होता है। अर्थात जिसके योगों की प्रवृत्ति नहीं हो वो है संपूर्ण संबर का स्वामी। आत्मा आत्मा में लीन है ऐसा। पंडित जी, हमारे लिए इस गाथा से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? जब तक पाप योग माने अशुभ योग माने सांसारिक कार्यों में उलझे हैं, आश्रव बंद है। सांसारिक कार्यों से हम हटे और हम धार्मिक कार्यों में लगते हैं, जिस समय में हम स्वाध्याय पूजन दान आदि कार्यों को करते हैं, उस समय शुभोपयोग है अर्थात पुण्यबंद है। हमें सबसे पहले तो पाप बंद से रुकना चाहिए, अशुभोपयोग से दूर होना चाहिए और फिर शुभोपयोग में आना चाहिए। और शुभोपयोग में आने के बाद भी मान्यता ये बनानी चाहिए, अभी मैं शुभोपयोग में हूँ लेकिन ये साक्षात मोक्ष का कारण नहीं। अगर इसमें भी तो देखो अभी आश्रय बंद हो रहा है और जब संपूर्ण आश्रय बंद को मुझे रोकना है तो मुझे अपनी आत्मा को आत्मा में लीन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए निर्ग्रंथ मुनि अवस्था धारण करनी पड़ेगी और समस्त राग द्वेष विकल्पों से हटके आत्मा में लीन होना पड़ेगा। क्या ऐसा होना पंचम काल में संभव है? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। आचार्यों ने पंचम काल में शुद्ध उपयोग का अभाव नहीं लिखा, लेकिन शुद्ध उपयोग बहुत कम समय होता है। इसलिए हमें और आपको क्या करना? पाप उपयोग से बचें, जितने बचें उतने बचें। मैं मानता हूँ घर गृहस्थी में पाप कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन कितने बच सकते हैं उतने तो बचें और फिर व्रतों को धारण करें और फिर और आगे बढ़ें, मुनि अवस्था धारण करें। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना संबर ज़्यादा होगा और पुण्य और पाप इन दोनों से हमारी आत्मा बचेगी। इसलिए हम संबर और निर्जरा को बढ़ाएं, आश्रव बंद को घटाएं, ये आज के इस कथन की शिक्षा है। हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार, अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमान, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली, श्री मुनिंद्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर,
श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर, श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिंपल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी अहमदाबाद।